ओम मनोजवम मारुत दुर्लभेगम जितेन्द्रयम् बोधिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयोत मुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणम् प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम जिस वीडियो को लेकर उपस्थित हैं वो है वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि मंगल का षडाष्टक योग। वृश्चिक राशि वालों, आपके ग्रहों के स्वामी जो है, आपकी राशि के स्वामी कौन है? मंगल। तो आपके जो स्वामी मंगल है ग्रह राशि के अनुसार से, वो विशेष तौर पर आपके सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह योग कारक हो गए आपके लिए। मंगल जो विशेष तौर पर, क्योंकि आपके स्वामी जो है लग्नेश है, लग्नेश बड़ा शुभ हो जाता है आपके लिए, सबसे शुभ ग्रह हो गए हैं आपके लिए मंगल, और आपको विशेष तौर पर उसका लाभ भी मिलना चाहिए। लेकिन और ऐसे में आप ये समझ लीजिए आपके कौन से छठे भाव का भी स्वामी मंगल है आपका। छठा भाव रोग का कारक है, छठा भाव शत्रुओं का कारक है, और ऐसे में मंगल का होने जा रहा है परिवर्तन। मंगल का राशि परिवर्तन होगा और यह मंगल का परिवर्तन राशि में जो हो रहा है आपके भाग्य स्थान में हो रहा है। भाग्य में जाकर आपके भाग्य के सामने भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। जो भाग्य के सामने यानी नवम के सामने जो भाव है वो तृतीय भाव माना जाता है, वो पराक्रम का साहस का भाव माना जाता है। मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 10 मई को दोपहर को 1:49 पर। कर्क राशि में मंगल हो जाते हैं क्षीण कमजोर। लग्नेश मंगल जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो कमजोर हो जाएंगे, सबसे कमजोर अवस्था में आ जाएंगे। मंगल यदि वृश्चिक में हो तो बहुत ताकतवर माना जाता है, और साथ में मेष में हो तो बहुत बढ़िया माना जाता है, और यदि मकर का हो तो सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि परम उच्च स्थिति में प्राप्त हो जाता है। और जब उसी के सामने जब कर्क में आ जाता है तो सबसे क्षीण सबसे कमजोर अवस्था में हो जाता है। और हमने देखा है इस प्रकार का अनुसंधान हमने देखा, बहुत सारी राशियों में देखा कि जितने एडिक्ट वाले लोग थे, डिप्रेशन वाले लोग थे, बहुत सारे मनोमस्तिष्क की समस्याओं से ग्रसित लोग होते हैं, वो मंगल के क्षीण भाव में जाने से होते हैं। मंगल की क्षीण अवस्था के कारण से, मंगल के अस्त में, मंगल शनि के टकराव के कारण से, मंगल के विशेष तौर पर नवांश में अशुभ हो जाने के कारण से, मंगल के नीच के हो जाने से कई प्रकार की मनोमस्तिष्क की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, हिम्मत हार जाता है। आपके भाग्य में जाकर मंगल बैठ गए हैं, भाग्य को सुलाने के योग बना रहे हैं। हो सकता है कर्म से आपको शुभ कर्मों से विहीन कर दें ये मंगल। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का परिवर्तन है, अब देखिए आपके शनि महाराज कितने सुंदर स्थिति में चल रहे हैं इस वक्त। करीब करीब 22 वर्ष बाद ये योग बनाया उन्होंने, कई प्रकार से आपके लिए उत्थान के योग, आगे बढ़ने के योग बनाया। लेकिन अब जो स्थिति बनने जा रही है करीब करीब 50 दिन के लिए, 10 मई से लेकर 30 मई के बीच में मंगल जो है वो बड़े कमजोर हो जाएंगे, और आपको करने पड़ेंगे खास उपाय। बिल्कुल सूत्र रूप में मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, इस समय मैं ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं कि शायद आपको इन छोटी छोटी बातों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया होगा। बहुत विशेष मुहूर्त बनने जा रहे हैं इन करीब करीब 15 दिनों में। इन 15 दिनों में ये मुहूर्त बनेंगे, यदि इन मुहूर्तों में कुछ छोटे से उपाय, 10 मिनट का टाइम आपने निकाल लिया, 10 मिनट का टाइम आपने निकाल लिया, तो मेरा दावा है कि आपकी समस्याओं को ठीक करने में आप कोई कुछ बहुत बड़ा आपको उठापटक करने की जरूरत, कोई पत्थर नहीं तोड़ने आपने। ये छोटा सा उपाय यदि कर लिया आपने, बिल्कुल छोटा सा उपाय, तो देख लीजिएगा बिल्कुल आपके जीवन में परिवर्तन का, महत्वपूर्ण परिवर्तन का, इस अशुभ ग्रह का योग बिल्कुल क्षीण हो जाएगा। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और तो और एक परिवर्तन तो बता दिया, लेकिन शनि भी जो विशेष तौर पर आपकी राशि में जो बात कर रहे थे हम शनि की, वो चल रहे हैं इस वक्त कुंभ राशि में, लेकिन वो सीधे चल रहे हैं, मार्गी चल रहे हैं, अब वक्री होने जा रहे हैं। वो कब होंगे वक्री? 17 जून को। इन्हीं दौरान में जब शनि महाराज, जब मंगल महाराज जब क्षीण हो जाएंगे, वो विशेष तौर पर उठापटक के योग बनाएंगे, उसके बाद शनि मंगल की युति भी सामने आने वाली है, एक दूसरे का टकराव भी स्थिति आने में, षडाष्टक के बाद टकराव की स्थिति भी आने वाली है, तो ये बड़ा उठापटक का समय रहेगा। तो ऐसे में आपको खास तौर पर उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि आपके पुण्य अच्छे होंगे तो आप समझ लीजिए आपके पुण्यों का अकाउंट यदि ठीक हो जाएगा तो आप कैसे भी योग से निकल जाएंगे, लेकिन यदि पुण्यों का अकाउंट कमजोर होगा तो समझ लीजिए आपके लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कष्ट बाधित हो सकती है। और जो भाग्य से, हर चीज में भाग्य का है ना, कर्म विशेष तौर पर भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य का खेल बड़ा विचित्र होता है, और ऐसे मंगल ने भाग्य को सुलाने का प्रयास कर दिया, भाग्य को कमजोर करने का प्रयास कर दिया है ऐसी स्थिति में बैठकर, तो ये आपको कई द्वंद्वात्मक स्थिति में उत्पन्न कर सकता है, मन को अशांत कर सकता है, मन को रुला सकता है, और विशेष तौर पर आपके हिम्मत हारने से आपके बहुत सारे कार्यों में प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। देखिए परमात्मा ने हर चीज का रास्ता बनाया है, तो उसी स्थिति में समझ लीजिए, हमने जब पंचांग को देखा, जब इस पे वीडियो को बनाने का सोचा, तो साथ में सोचा उपाय क्या किया जाए। उपाय देखते ही इतना सुंदर रहस्य निकल के आया कि हमको भी उसको आह्लादित कर दिया उस उपाय ने।
ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ज्येष्ठ के महीने में जो मंगलवार पड़ते हैं उनको बुढ़वा मंगल माना जाता है, और हमारे यहाँ हमने व्यवस्था कर रखी है कि हर बुढ़वा मंगलवार के दिन जब मंगल ज्येष्ठ के मंगलवार पड़ते हैं उसमें हम बड़े सुंदर तरीके से सुंदरकांड का बड़ा भव्य आयोजन करते हैं। कहा जाता है कि ये विशेष तौर पर भीम को जब अहंकार उत्पन्न हुआ था तो हनुमान जी से कृपा प्राप्त करने के लिए जब उनको आमंत्रित किया उन्होंने कि आइए महाराज, जब पहचान नहीं पाए हनुमान जी को कि युद्ध में कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है बहुत बड़ा पांडवों और कौरवों का, आप भी सामत, जब उनको देखा रास्ते में हनुमान जी पड़े हैं उनको पहचान नहीं पाए, तब वो बुढ़वा मंगलवार का समय था, तो फिर उनके कृपा प्राप्त हनुमान जी कृपा से वो सब विजय को प्राप्त किया, हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, बुढ़वा मंगलवार पर हनुमान जी जब आराधना की गई तो वो स्वयं भीम से प्रसन्न होकर वहां पर विराजित हुए, कहां पर, अर्जुन के युद्ध पर विजय रथ पर स्वयं विजय पताका के तौर पर हनुमान जी विराजित हुए, हनुमान जी कृपा से विजय मिली। और ये कथा वहां मिलती है जब कर्ण ने उनके रथ को ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग करके, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके जला दिया था, लेकिन हनुमान जी की कृपा से वो युद्ध बचा रहा, वो विशेष तो जब तक वो बैठे रहे वो जला नहीं, दिव्यास्त्र भी वहां फेल हो गए थे। यही सूत्र है, जब हनुमान जी ने बताया ना वहां पर कि जब उसने कहा कि मैंने दिव्यपाश में नागपाश में हनुमान जी तुमको बांध दिया, जब मेघनाथ कहता है तो हनुमान जी ने कहा मैंने बांधना स्वीकार किया है, आपने मुझे बांधा नहीं, मुझे तो आशीर्वाद प्राप्त है ब्रह्मा जी का कि कोई भी अस्त्र मुझे बांध ही नहीं सकता है। तो यही कृपा वहां हनुमान जी ने दिखाई कि उस रथ पर विराजित होकर जो कर्ण के जितने भी भयंकर से भयंकर दिव्यास्त्र थे वो भी वहां फेल हो गए। तो इसलिए अर्जुन को विजय रथ के ऊपर, जो अर्जुन के विजय रथ पर हनुमान जी कृपा से प्राप्त हुई, हनुमान जी का ही संबंध है। और ऐसे में जो बुढ़वा मंगलवार आ रहा है इसमें बहुत सुंदर योग बन रहा है अंगारक चतुर्थी का। अंगारक चतुर्थी यानी मंगल का जन्मदिन। मंगल कौन है? वीरभद्र है, शिव के पसीने से उत्पन्न हुए वीरभद्र। कब? जब सती यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित कर दी तब यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र को भगवान ने उत्पन्न किया, और दक्ष का सिर संहार करने के उपरांत साथ साथ भगवती को निकालकर वहां से भगवान शिव के समक्ष जब लेके आए तो वीरभद्र को उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको सौर मंडल में स्थिर किया मंगल के रूप में। तो वो स्थिति जो थी वो थी अंगारक चतुर्थी की। तो इसलिए विशेष तौर पर मंगलवार का दिन था और साथ में चतुर्थी का योग था, अंगारक चतुर्थी बनी। तो ऐसे में दो अंगारक चतुर्थी ज्येष्ठ महीने में पड़ रही है इस बार, 9 मई को और 23 मई को। तो आप सुंदर तरीके से इस सुंदर तिथियों में हनुमान जी की आराधना करें। और साथ साथ एक और तिथि पड़ रही है 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या यानी विशेष तौर पर शनि का शनि जयंती। तो आप कोशिश ये करें, उस दिन हमने आश्रम पर सुंदर पाठ रखा है हनुमान चालीसा का, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख हुई। तो आप कोशिश ये करें इस सुंदर कार्यक्रम में सम्मिलित हों और घर पर भी हनुमान जी की इन तिथियों में विशेष तौर पर सुंदर कांड, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये सब करें। नित्यपति भी यदि करते रहेंगे तो इस योग का काट आपको प्राप्त हो जाएगी और कोई उठापटक करने की जरूरत नहीं, कोई पत्थर नहीं तोड़ने आपको इन ग्रहों योग करने के लिए। नहीं तो लग जाते हैं लोग, पंडित जी आप कर दीजिए, अरे खुद कर लो ना भैया, हमने आश्रम में व्यवस्था करी, आप भी आ सकते हैं, स्वागत है आपका, उस यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं जो हम पिपलाद ऋषि का यज्ञ करेंगे। विशेष तौर पर विशेष मंत्र का स्थावन करेंगे। पिपलाद ऋषि की कथा भविष्य पुराण में आती है कि जो शनि जयंती के दिन पाठ कर लेता है, कहा जाता है कि कभी शनि उन पर रुष्ट नहीं होते हैं। तो मंगल को भी ठीक करने के लिए योग उपस्थित है, शनि को भी ठीक करने के लिए योग उपस्थित है, मार्ग भी उपस्थित है, सीधा साधा मार्ग है। और तुलसीदास जी ने सही तरीके से कहा, और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करही, कि और देवता इस कलिकाल में आपके मन के योगों को शुभ नहीं करेंगे, केवल हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमत जी महाराज के कृपा से समस्त सुख प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो कोशिश ये करें इस मार्ग को प्रशस्त करें, मंगल भाग्य को सुला रहे हैं। और यदि मंगल भाग्य सो जाएगा तो इस सुंदर योग जो बन रहा है आपके ग्रहों के अनुसार से वो आपको कष्ट दे सकता है। तो कोशिश ये करें इस समय में इसको ठीक करने के लिए ये उपाय कर लीजिए। हमने अपने नंबर आश्रम पर लिखे हैं, जो योग लोग यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं आ सकते हैं, सादर आमंत्रित है। कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, आप सब सादर आमंत्रित है। नमस्कार, धन्यवाद।